स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। हर रोज कोरोना के बढ़ते मामलों ने करनाल की चिंता बढ़ा दी है। बीते रविवार को कोरोना के कुल 273 मामले सामने आए थे और सुबह से अब तक 150 मामले और सामने आ गए हैं। वहीं बहुत से मामलों की रिपोर्ट आना बाकी है। करनाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 सस्पेक्टेड लोगों की भी मौत हुई है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते लगातार मामलों में वृद्धि हो रही है। ऐसा कोई दिन नहीं कि जिस दिन कोरोना के मामले 200 के पार ना जा रहे हो। रोजाना मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग से लेकर प्रशासन और सरकार सबके माथे पर चिंताओं की लकीर दिखने लगी है। सिविल सर्जन योगेश शर्मा ने बताया कि करनाल में 273 कोरोना पॉजिटिव मरीज कल आए थे और आज अब तक 150 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं। वहीं कहीं रिपोर्ट्स आना भी बाकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3 मौत होने के कारण मौत के आंकड़ों में वृद्धि हो गई है। अब तक 182 मौत करनाल में कोरोना से हो गई है, जबकि 2 मौत सस्पेक्टेड है। उनकी मौत कोरोना से हुई या किसी और से, अभी इस चीज का पता नहीं लगा है। करनाल में इस समय एक्टिव केस की संख्या 2229 हो गई है। बहरहाल प्रशासन की चिंताएं इन बढ़ते मामलों ने बढ़ा रखी है। प्रशासन लगातार लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि वे मास्क का इस्तेमाल करें और भीड़भाड़ वाले इलाकों में ना जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। ये जो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, आज अभी तक कितनी डेथ और कितने केस हैं एक्टिव? हाल में भी काफ़ी, पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा केसेज आए हैं और इस वक्त हमारे लगभग 2100 केसेज जो हैं एक्टिव केसेज हमारे कल शाम तक थे, और आज की सुबह से जो हमारी लगभग 150 के आसपास पॉजिटिव केस की जो लिस्ट है वो आ चुकी है। इसके अतिरिक्त जो हमें डेथ नोटिफाई हुई हैं, वो 3 डेथ नोटिफाई हुई हैं पिछले 24 आवर्स में, और जिसकी हमारे पास पूरी डिटेल आ गई है। लेकिन अभी 2 जो है जैसे और बताई जा रही हैं, लेकिन अभी उसके बारे में एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ जो है वो अभी जानकारी ले रही है। 3 कन्फर्म डेथ फिलहाल अभी हुई हैं, जिसके साथ है। क्या कहना चाहिए? नहीं, वो ऑफ कोर्स उसमें कॉज ऑफ डेथ क्या है वो देखने वाली बात है, क्योंकि वो जहाँ तक प्रिलिमिनरी हमें जानकारी मिली है कि उनका वो किसी और अन्य प्रॉब्लम के साथ एडमिट हुए थे, जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी, और एक कोई पीजीआई में काफ़ी देर से एडमिटेड थे, उनको भी कोई मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी। तो वो सारी जानकारी अभी हासिल की जा रही है कि एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ क्या है। तो कितनी डेथ हैं, कितनी सस्पेक्ट? अभी 3 है, 2 की अभी और जानकारी हम ले रहे हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे जिलावासी? देखिए, मैं बार बार हम इसके लिए कहते हैं और अपील भी करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वक्त केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं और सभी को पूरी ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी लेने की आवश्यकता है। नाक और मुंह ढक के अच्छी तरह मास्क पहन के ही बाहर निकले अगर वो भी ज़रूरत हो, और उसके अतिरिक्त सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, हैंड हाइजीन करके रखें, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 45 ईयर अबव एज ग्रुप जिसमें कि मोर्टेलिटी ज़्यादा रहती है, और उनकी वैक्सीनेशन जितनी जल्दी हो सके वो सारे वैक्सीनेशन करवाएं। आज जैसे 4 दिन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक टीका उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा कैंप्स भी लगा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, अलग अलग गांव में जाकर भी जो है हमारी टीम्स वैक्सीनेशन कर रही है। आज लगभग 121 जगह पे वैक्सीनेशन की जा रही है करनाल डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं सभी से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया जल्द से जल्द 45 ईयर वर्ग जितने भी लोग एलिजिबल हैं वो अपनी वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि इस महामारी से बचने का केवल एक ही तरीका है, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना और वैक्सीनेशन करवाना। देखिए, अभी तक जो 3 मैंने आपसे बात करी है वो उनकी एज 65 ईयर्स अबव हैं सारे, लेकिन बाकी 2 की अभी इन्फॉर्मेशन अभी आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।